नमस्कार मित्रों, इंदौर उज्जैन या कहे लक्ष्मीबाई नगर उज्जैन डबलिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें गत वर्ष उज्जैन से कड़छा के मध्य डबलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका था और सीआरएस होकर शुरू हो चुकी है तथा कड़छा से बरलई का काम इस वर्ष के फरवरी माह में पूर्ण कर लिया गया है तथा वो सेक्शन चालू भी हो चुका है डबलिंग का। दोस्तों, अब बचा हुआ बरलई से लक्ष्मीबाई नगर तक का कार्य प्रगतिशील है, जिसे इस वर्ष के अक्टूबर नवंबर तक पूर्ण करना रेलवे का लक्ष्य है। लक्ष्मीबाई नगर से बरलई तक पुल पुलियाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है और अर्थवर्क का काम भी पूर्ण कर लिया गया है रेलवे के द्वारा तथा अब साइट तक स्लीपर और रेल पटरियां पहुंच गई हैं। मांगला स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म का निर्माण भी हो रहा है, साथ ही नई स्टेशन बिल्डिंग भी बनाई जा रही है। दोस्तों, स्टेशन बिल्डिंग बन चुकी है, जो आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं, जिसमें SM ऑफिस, SNT इक्विपमेंट रूम, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रूम इत्यादि रहेंगे। मांगला स्टेशन से बरले स्टेशन के मध्य स्लीपर बिछाकर पटरियां भी डाल दी गई है, साथ ही साथ OHE या कहे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है। OHE के पोल भी लगाए जा रहे हैं। यह छोटा सा बचा हुआ हिस्सा भी जल्द डबलिंग में पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके बाद इंदौर उज्जैन संपूर्ण सेक्शन डबल लाइन हो जाएगा और इस सेक्शन को क्रॉसिंग से निजात मिल जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये मांगला स्टेशन पास हो रहा है, जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये पुराना स्टेशन ऑफिस था, ये नया स्टेशन ऑफिस, SM बिल्डिंग और सभी चीज़ रहेगी यहाँ पर। जैसे कि सभी जगह आपने देखा होगा, नई जगह पर जहाँ पर भी जो कुछ नई बिल्डिंग बनाई जाती है, नए स्टेशन बनाए जाते हैं या फिर रीडेवलप किए जाते हैं, रिमॉडल किए जाते हैं, तो वहाँ पर ये स्टेशन बिल्डिंग नई नई बनाई जाती है। इसमें SM ऑफिस, SNT के इक्विपमेंट रूम और इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट रूम बनाए जाते हैं। दोस्तों, मांगला स्टेशन को भविष्य देखते हुए ही तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये एक जंक्शन बनने वाला है, जहाँ से बुधनी के लिए लाइन यहीं पर आकर मिलेगी। ऐसा बोला जाता है कि इंदौर बुधनी लाइन है, लेकिन ये मांगलिया बुधनी लाइन कहलाएगी क्या, मांगलिया में मिलेगी आकर, बुधनी से सीधे आकर मांगलिया में मिलेगी, लेकिन ये कहलाएगी इंदौर बुधनी रेल लाइन। मांगला स्टेशन को इसीलिए भविष्य को देखते हुए ही तैयार किया जाना चाहिए। और ये दोस्तों आप देखना है, अभी बरलई के आगे का हिस्सा, सॉरी मांगला के आगे का हिस्सा, मांगला बरलई के मध्य का हिस्सा, जहाँ पर लगभग 80% पटरियाँ भी डाल दी गई है, OHE के पोल भी खड़े कर लिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं नज़ारा। दोस्तों, आप इंजॉय कीजिए जब तक ये सेक्शन को देखकर। Thank you.